हेलो एवरी वन आई एम मोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सेकंड क्लास सिक्सथ इंग्लिश हनी स्कल बुक का चैप्टर है सेकंड हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर और इस वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और उसके साथ ही जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं उसके साथ ही बाकी जो सिक्स इंग्लिश हैं उसके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक भी जो प्ले है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ जाकर उसे भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को वाई डिड द डोग फील द नीड फॉर ए मास्टर जैसा कि हमने स्टोरी को पहले पढ़ा था स्टोरी के अंदर हमें कंप्लीट देखने को मिला था कि किस तरह एक डोग है उसका जो रियल मास्टर है उसको मिलता है तो इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में है जो आ, इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है वाई डिड द डोग जो डोग है फील द नीड फॉर ए मास्टर उसको एक मास्टर की नीड क्यों महसूस होती है उसके बाद में जो आगे ये वन और टू लिखा हुआ है एक्चुअल में ये जो आपका चैप्टर था चैप्टर के अंदर ये जो हनीस्कल बुक है उसमें अंदर चैप्टर पॉइंट्स में दिए गए हैं जो पूरी कम्पलीट थे, जो थ्योरी की है वो पॉइंट्स में दी गई है तो वो पॉइंट्स है कि इनका जो आंसर है फर्स्ट और सेकंड जो पैराग्राफ पॉइंट्स हैं उनके अंदर इनका आंसर है तो बुक के अंदर ये पॉइंट दिए हुए उनका मतलब ये है कि जो जो इसके अंदर जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो फर्स्ट और जो सेकेंड पैराग्राफ पॉइंट है उसके अंदर है तो तो इसका आंसर है द टोक फैट द नीड फॉर ए मास्टर बिकॉज ही वो सिक तो डोक को महसूस हुआ कि उसे एक मास्टर की नीड है क्योंकि वो सिख था बीमार था एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट लॉन लुकिंग फॉर फूड और वो थक चुका था वेंडर करके घूम घूम कर खाने की तलाश में वो थक चुका था एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर लैंड मी और उनसे डर कर जो कि उससे स्ट्रोंगर थे ज़्यादा स्ट्रॉग थे स्ट्रॉग एनिमल थे उनसे डर कर वो थक चुका था इसलिए उसे लगा कि उसे एक मास्टर की नीड है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो हु डिड द फर्स्ट चूज़ मास्टर वाई डिड ही लीव दैट मास्टर तो सबसे पहला मास्टर उसका कौन था और उसे उसे क्यों छोड़ा द डोग फर्स्ट चोज अग स्ट्रॉन्ग मास्टर तो जो फर्स्ट जो मास्टर था वो एक वोल्फ था जो कि स्ट्रोंग था और डरावना दिखता था बड़ा था तो डोग ने उसे सबसे पहले अपना मास्टर बनाया वंस द डोग सा दैट द व्फ वॉज अ द बियर वुड ईट दैम अप एक बार जब डॉग ने देखा कि जो वॉल्फ है वो डरता है बियर से एक भालू से डरता है कि वो उसको खा जाएगा और मार देगा सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉगेस्ट क्योंकि अब जो डॉग है वो सिर्फ उसको अपनी सर्विस देना चाहता था जो कि स्ट्रोंगेस्ट हो ही लेफ़्ट द वॉल् तो इसलिए उसने वोल्फ को लेफ्ट कर दिया छोड़ दिया एंड आस्क द बियर हु वो स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ टू बी हिज मास्टर तो उसने जाकर आस्क यानी पूछा बियर से Uh, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर था वोल्फ से उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर था कि उसका मास्टर बनेगा या नहीं बनेगा तो सेकंड जो बना उसका वो नेक्स्ट बियर बना हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट तो उसने नेक्स्ट किसको चूज़ किया था जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि उसने जब वोल्फ को लेफ्ट कर दिया उसके बाद बियर को ही चुना था तो ही चूज़ द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर तो उसने बियर को बालू को चुना अपना तो नेक्स्ट मास्टर चुना एज़ ए uh, मास्टर की जो पे उसको सर्विस देनी चाहिए वाई डिड द सर्व वाई डिड ही सर्व द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम उसने एक लाइन को ज़्यादा टाइम तक सर्विस क्यों दी ही सर्व द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फाउंड देयर वॉज नो मोर पावरफुल उसने एक लाइन को सबसे ज़्यादा सर्विस लंबी क्यों दी इसलिए दी क्योंकि उसने देखा कि कोई भी इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं था एंड स्ट्रोंगर दैन द लाइन स्ट्रोंगर नहीं था पावरफुल भी नहीं था लाइन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगर था इन द फोरेस्ट पूरे जंगल में सो नो वन डेयर टू टच द डॉग तो कोई भी हिम्मत नहीं करता था डेयर करना हिम्मत करना वो कहती है कोई भी डेयर नहीं करता था उसको टच करने का या डराने का ऑफ फ्रेंड धमकाने का ऑफ फ्रेंड हेम एनी वे देयर फॉर इसी लिए द डोग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इसी लिए जो डोग है वो रहता था खुश होकर सर्व करता हुआ लॉन्ग लाइन को लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा वो उसको हैप्पीली रहा वो उसके पास में सर्व करते हुए हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई तो लास्ट के अंदर फाइनल में उस डोग ने किसको अपना मास्टर बनाया और क्यों ही फाइनली चूज़ मैन एज हिज मास्टर तो फाइनली उसने एक मैन को अपना मास्टर बनाया क्योंकि वन डे ही रियलाइज दैट द लाइन वॉज अ फ्रीडम मैन तो उसने उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो लाइन है वो डरता है इंसान से एक मैन से एज ही वॉन्टेड टू सर्व सम वन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉगर जो स्ट्रोंगेस्ट होते हैं उन्हीं को अपना मास्टर बनाना चाहता था तो अब जो लाइन है वो भी डरता है मैन से तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल और स्ट्रोंगर था वो मैन था ही चूज मैन एज इन मास्टर तो इसने फाइनली जो मैन है उसको ही अपना मास्टर चूज कर लिया उसके बाद में बी एक्सरसाइज है स्टोरी इज गिवन बिलो एक समरी दी गई है नीचे स्टोरी की फिल इन द ब्लैक्स टू कम्प्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स ये बॉक्स है टेबल है और ये नीचे स्टोरी दी गई है दिस इज स्टोरी उसमें जो ब्लैक्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को जो फ्रेजेस हैं ऊपर वाली इनको इनके अंदर फिल करना है तो इसका आंसर नीचे है तो साथ साथ हम पढ़ेंगे और ब्लैक पहले हम ब्लैक वाले को पढ़ेंगे दिस इज द स्टोरी ऑफ ये एक स्टोरी है किसकी एक डोक की स्टार्टिंग एक डोक से होती है मेन कैरेक्टर वही है तो फर्स्ट वाला ही इसके अंदर फील होगा अ डोग हु यूज़ टू बी उसको यूज़ वो किस चीज़ की आदत हो गई थी यूज़ टू आता है आदत के लिए उसको किस तरह की आदत होगी थी ही यूज़ टू बी हिज़ ओन मास्टर वो यूज़ टू हो चुका था अपने ओन मास्टर यानी कि जो लास्ट से जो थर्ड है ये आएगा इसके अंदर उसके बाद में है ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर उसने एक मास्टर को ढूंढने की कोशिश की जो क्या हो पहले हम शुरू करते हैं द बीयर ये भी नहीं आएगा अलायन नहीं सूट होता स्ट्रोंगर दैन एनिमल्स एज तो उसने एक ऐसा मास्टर ढूंढने की कोशिश की जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हुआ तो इसका जो आंसर है ये फोर्थ वाला है उसके बाद है फर्स्ट ही फाउंड सबसे पहले उसने किसको फाउंड किया था सबसे पहले उसने मास्टर किसको बनाया था वोल्फ uh, तो लास्ट वाला इसका आंसर है लास्ट वाला अ वोल्फ बट द वोल्फ वॉज अ ब्रेड ऑफ किससे डरा था ऑफ वोल्फ वोल्फ डरा था एक बियर से तो बियर है द बियर यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन उसके बाद है द डोग थ्रोड दैट द बीयर वॉज तो डोग ने सोचा कि सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट कौन है बियर है यानी कि द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल तो इसमें आएगा सेकेंड लास्ट और आफ्टर सम टाइम द डोग मैथ तो बियर के बाद में डोग किसे मिला था बीयर के बाद डोग मिला लायन से एक लायन से ही तो जो अब जो इसमें आएगा आंसर थर्ड वाला ऊपर से वो सेम्स द स्ट्रॉगेस्ट जो कि स्ट्रोंगेस्ट लग रहा था ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम वन डे ही लाइज दैट लायन वॉज तो उसके बाद में एक दिन उसे रिलाइज हुआ कि जो लायन है वो भी डरता है अफ्रेड ऑफ मैन लायन भी अफ्रेड ऑफ मैन यानी लायन को भी डर लगता है मैन से तो डिस दे द डोग रिमेन्स मैं बेस्ट फ्रेंड तो उसके बाद से वो हमेशा से मैन का बेस्ट फ्रेंड रहा और आज भी हम एज ए पैट एक डोग को अपने घर पर रखते हैं तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे और टोटल ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर यहाँ पे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक्सप्लेनेशन है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक करो और उसके साथ ही जो बाकी जो चैप्टर हैं उनके एक्सप्लेनेशन जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं और कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में